खरगोन जिले के सेगावन नगर के हीरालाल राठौड़ के परिवार ने साहसिक फैसला लेते हुए अपनी कल्याणी बहू नर्मदा का अपने छोटे बेटे गणेश के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया। हम आपको बता दें कि हीरालाल राठौड़ के बड़े बेटे सत्यनारायण की गत 5 अक्टूबर 2018 को घर में ही करंट लगने से मौत हो गई थी। बड़े बेटे से दो बेटियां मानसवी और कौशिकी के सिर से पिता का साया उड़ गया था। वहीं असमय पति को खो देने से नर्मदा का जीवन भी अंधकारमय हो गया था। इस बीच नर्मदा के पुनर्विवाह के भी प्रस्ताव आए, लेकिन अबोध बेटियों की परवरिश को जीवन का लक्ष्य मानते हुए उसने अपनी दूसरी शादी से स्पष्ट मना कर दिया। हीरालाल राठौड़ के दूसरे अविवाहित पुत्र गणेश के लिए भी रिश्ते की कमी नहीं थी, लेकिन दो बेटियों के भविष्य को देखते हुए समाज की परवाह किए बगैर राठौड़ परिवार ने मिल बैठकर अपनी कल्याणी बहू का अपने छोटे अविवाहित बेटे के साथ विवाह जैसा साहसिक फैसला लिया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। पिछले 2.5 साल पहले हृदय घात से उनका देहांत हुआ और उनकी पत्नी नर्मदा बाई इनके परिवार में रह रही थी और समाज के पहल से तो ये देखा कि बच्ची भी कम उम्र की है, उसके दो पुत्रियां हैं, तो दोनों माता पिता के सहयोग से संबंध से चर्चा हुई, उनकी बात हुई कि क्यों ना हम एक परिवार को इसी परिवार में जोड़े जाए ताकि किसी प्रकार की परेशानियां न उत्पन्न हो, क्योंकि हम आजकल समाज में देखते हैं कि शादी के विधवा के कारण विधवाएं हो जाती महिलाएं या विधुर हो जाते हैं पुत्र, तो उसके समय बहुत परेशानी यह होती है कि बच्चे जो है तो बच्चियां जो उनके बच्चे जो हैं वो माता पिता के पास रह जाते हैं, दादा दादा के पास या नाना नानी के पास रह जाते हैं, और वो बच्ची जो है वो या बच्चे अपने पुनः विवाह करके अपना जीवन वापन करते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया कि वो इतने सुखी नहीं रह पाते हैं। तो सेगांव समाज ने ये निर्णय लिया क्यों ना इस पुत्रवधु को इसके छोटे बेटे के साथ इनका पुनर्विवाह कर दिया जाए ताकि बच्चे भी हमारे पास में रहेंगे और बहू भी यहाँ रहेगी तो उसको किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी और इसी परिवार में रहकर वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकती है और अपना जीवन यापन अच्छे तरह से निभा सकती है और अपना परिवार भी निभा सकती है, क्योंकि उसको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी दूसरे गांव में चली गया, दूसरे परिवार में चले गए। तो इसको देखते हुए यहाँ के समाज ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया और समाज के अंदर एक नई पहचान दी, नए कार्य के रूप में प्रेरित करने के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया और एक रूढ़ी तवादी को खत्म करते हुए इन्होंने हीरालाल जी और गणेश जी राठौड़ ने अपनी दोनों ने अपने बच्चों का पुनर्विवाह यही समाज में सेगांव में किया और इसके लिए राठौड़ समाज सेगांव बहुत बधाई का पात्र है जिनको उन्होंने प्रेरणा दी और उनके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने प्रेरणा से अवगत होकर अपने बच्चों की सुविधा के लिए बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग करके इन दोनों का पुनर्विवाह किया और आज मैं यहाँ पर आए हम लोग उनका सम्मान किया, माता पिता का सम्मान किया, वरवधु का सम्मान किया और हम इस बात को बहुत खुश हुए हैं कि ऐसे पहल हम अपने समाज में भी देते रहें और हमारा राठौड़ समाज इस साथ भी सुनेगा तो ये ऐतिहासिक पूरे भारतवर्ष में एक नई पहल से अवगत होगा और इस समाज को सेगांव समाज को और इसके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देंगे ताकि ये और आप लोग अपने इस प्रेरणा से आप सब भी राठौड़ समाज प्रेरणा लें ताकि अपने आने वाले बच्चों के साथ कोई दुर्घट घटना हो तो उसी परिवार में या किसी अच्छे तरीके से इनका विवाह कर किया जाए ताकि अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। मैं कन्हैयालाल राठौड़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राठौड़ उपाध्यक्ष हरिभोज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।